मिल रही है दमोह से। 3 सालों से नहीं है बिजली पानी की कोई सुविधा, अंधेरे में रहकर करते हैं जीवन यापन। जबेरा जनपद की ग्राम पंचायत सगरा के ग्राम पडरी रामपुर के ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं। पडरी रामपुर जंगली क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग 300 घर के आदिवासी वर्ग लोग वर्तमान में रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों से बिजली की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। तो वही ग्रामीणों का कहना है कि विभागों में बिजली की समस्या को लेकर कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, तो वही अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक पंचायत प्रतिनिधि व राजनीतिक लोग भी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जंगल में बीचों बीच फर्जी रामपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। यहाँ पर जंगली जानवरों का घूमना फिरना लगातार लगा रहता है और जहरीले जीव जैसे सांप बिच्छू गुहेरे पानी गिरते ही निकलने लगते हैं। इसके पहले भी यहाँ पर 2 घटनाएं जहरीले जीवों के काटने से हो चुके हैं। तो वहीं शासन प्रशासन की अनदेखी का परिणाम गरीब ग्रामीण जन भुगत रहे हैं। जहाँ पर प्रदेश के मुखिया बिजली पानी व सड़क की सुविधाएं प्रत्येक गाँव में पहुँचाने की बात करते हैं, तो वहीं यहाँ पडरी रामपुर की हकीकत यही है कि इन पिछड़े हुए आदिवासियों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि 300 घरों की बस्ती में एक ही हैंडपंप है जो कि प्राथमिक शाला में लगा हुआ है। गर्मी में उसमें भी पानी नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में बहुत दूर दूर से लोगों पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण पानी की भी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आगे भी यही हाल रहा तो यहाँ पर कोई घटना घटित हो सकती है जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। राजधानी समाचार चैनल के माध्यम से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों तक आदिवासी ग्रामीणों की समस्या पहुंचने के बाद अब देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। राजधानी समाचार के लिए दमोह से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजधानी समाचार, मैं दमोह से जिला ब्यूरो सुरेंद्र सिंह लोधी। आज हम पहुंचे हैं जबेरा जनपद के ग्राम पंचायत सगरा का पड़दी ग्राम है। ये जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ग्राम है। यहाँ पर लगभग 300 घरों की बस्ती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 3 साल से यहाँ लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या समस्या चल रही है और कब से समस्या चल रही है। लाइट नहीं चल रही है। लाइट नहीं और आप लोग जाते हैं तो बातों में टाल देते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आप बताओ। बोलिए, ऐसा ही है कि लाइट हमारे यहाँ 3 साल से नहीं चल रही है, अंधेरे में रहते हैं सब। तो आप सभी लोग जंगल में हैं, यहाँ जंगली जानवरों का डर है, आजू बाजू में जंगल लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार घर घर लाइट की सुविधा उपलब्ध करा रही है और आप बोल रहे हैं 3 साल से लाइट नहीं चल पा रही। सर, इसी गांव में वो जब से लाइट बिगड़ी है यहाँ तीन हादसा हो गए हैं। वो सांप ने दसा है, एक बच्ची को दसा है। तो इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ, आपकी और देख रेख नहीं कर पा रही है, आपकी और नजर नहीं आ रही है। कुछ महिलाएं भी साथ में हैं तो हम चाहेंगे महिलाएं भी बताएं। आप बताएं कब से समस्या चल रही है लाइट? 3 साल से लाइट नहीं है सर, न पानी की परेशानी है, न पानी यहाँ मरो पीवे, न नाल कुछ नहीं, नहावे न धोवे। सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है आपको? कोई सुविधा नहीं है। लाइट बंदे तो कह रहे हैं कि घर घर के लाने पानी देने और घर घर लाइट जाने हैं। कुछ नहीं, पानी की परेशानी है, पूरे आदमी ना है, माझिरियां खोद रहा है, तो एक पीवे नहीं मिल रहा। आपके यहाँ सरपंच हैं तो क्या सरपंच की बात आपने कोई नहीं सर, सरपंच बन जा सुबह ही माफ हो जा रहे हैं। लड़का बच्चों आवे तो लड़कियां खत्म हो गई, एक भाई खत्म हो गई है ताई। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द यहाँ पर जो ग्रामीण निवास कर रहे हैं उनकी समस्या का निदान हो। राजधानी समाचार की खास रिपोर्ट। हमारे साथ है, वो बताएंगे कि किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
शरम आए थे लाइट नहीं है 3 साल से, तो हमें लाइट जाने ये कीड़ा कांटे दिख रहे थे बस पा रहे, तो हमारे का कर धरती में पा रहे हैं, तो हादसा भी हो रहे हैं बिल्कुल। अभी पानी पानी की शुरू मतलब बरसात शुरू होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में लाइट नहीं रहेगी तो कैसे आप लोग कैसे रहेंगे घरों में, बच्चा छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, बाजू में जंगल लगा है, जंगल लगा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.